के मैंने मतलब जब मैं फैसू से मिली थी तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से 3 उम्रे हो चुके थे और मेरी रात को 3 बजे फ्लाइट थी। और ये भी बोला कि तुम्हारा उम्रा कबूल नहीं होगा। अच्छा, ये कोई काफिर ही होगा जिसने ये बात की होगी। थैंक यू सो मच लालच में मेरे लिए फूल लेकर आयो। ये आप देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन मेरी खाला ने किया है, द वन एंड ओनली फराना खाला। इतनी देर से दिमाग खा रही है। सही बात है अम्मी, आप बहुत बोलते हैं। पल से मारू ऐसे बच्चों को। Welcome back to Amana's YouTube channel and welcome back to my another vlog. मेरा कोई सर नहीं कट रहा, as usual मेरा ऑफिस का रूटीन है और यहाँ पे ये लोग इतना अंधेरा करके बैठते हैं कि इनको पीस मिलता है। तुम किस लड़कियों को देख रहे हो ये? What is this? मुबारक हो। मुबारक। बहुत बहुत मुबारकबाद दे, इब्राहिम की पाक पक्की हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे इतनी खुशी हुई है, बस एक लड़का और रह गया, उसकी भी हो ही जाए, हमारा एडिटर। हाँ, अरम की भी इंशाल्लाह हो जाएगी। अरम नेक लड़की। ओ, नाक यूज हो गया है। जिस पे लोग मुझे इतना ट्रोल कर रहे हैं बिना स्टोरी जाने। क्या क्लियर करूँ मैं लोग को? बात सारी ये कि लोग मेरे पहले के व्लॉग देखते नहीं है, बिना सोचे समझे जाने बस बोलते रहते हैं। जबकि मैंने मतलब जब मैं फैसू से मिली थी तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से 3 उम्रे हो चुके थे और मेरी रात को 3 बजे फ्लाइट थी और मैं निकल रही थी जाने के लिए अपना वापस पाकिस्तान के लिए। और कितने मैं फैसू से मिली थी? 1 बजे में मिली थी और मैं 3 बजे मेरी फ्लाइट थी। जब मैं अपना लास्ट मैं अपने खाने काबा को अपना देखा, नमाज वमाज वहाँ पे अपनी पढ़ के सब कुछ पढ़ वढ़ के उसके बाद मैं निकल गई थी। तो मैं जब मिली थी, जब मुझे फैज ने अपना नंबर दिया हुआ था, जब बिल्कुल मैं अपना सब कंप्लीट करने के बाद मैंने फैज से कॉन्टेक्ट किया था, मैंने अपने व्लॉग में बात बताई थी। तो जब मैंने कॉन्टेक्ट करने के बाद फैज ने भी मुझसे कॉन्टेक्ट किया, उसके बाद फिर मैं लास्ट हार्डली 15 मिनट्स मिली होंगी, 15 to 20 मिनट्स, और उसके बाद मैं चली गई थी। मुझे निकलना था और मैं अपने 3 उम्रे कंप्लीट करके, मेरा 14 फैब को पहला उम्रा हुआ था जिसपे लोगों ने मेरा शायद वो पहला व्लॉग मतलब देखा नहीं होगा, जिसमें मैंने उस व्लॉग जैसे लोगों ने बोला कि इसका तो उम्रा कबूल नहीं होगा और व्लॉगिंग कर रही है वहां पे। तो इवन दो मैंने अपने पहले उम्रे वाले दिन भी अपना जो व्लॉग बनाया है ना, तो वो मैंने उम्रा करने के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद, जब हाथ में मेरे बाल वाल कट के जब मैं कंप्लीट हो गया था, जब मैंने वो क्लिप उठा के रिकॉर्ड किया था और मैंने अपनी सारी खुशी बताई थी। क्योंकि लोग मुझे ये बैश करें कि सबसे ज्यादा खुशी इसको इससे हुई है वही है, यार आप लोग मेरे दिल में नहीं रहते हो। तो खैर वो सबकी अपनी अपनी बात होती है कि कोई जैसा सोचे कैसा ना सोचे, हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि कौन किससे ज्यादा खुश है। और वैसे भी जब शाहरुख खान उम्रा करने गया था, जब तो आप लोग ऐसे पागल हो गए थे, ऐसे पागल हो गए थे, जबकि वो वापस वहाँ पे वो शायद मंदिर उनके जो वहाँ गए थे, तो जब तो लोगों ने कुछ नहीं बोला, तो मेरे ऊपर ही क्यों हो? मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग कौन होते हो ये चीज़ डिसाइड करने वाले कि मेरा उम्रा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। मैं जबकि बात मैं 10 दफ़ा रिपीट कर रही हूँ कि मेरे 3 उम्रे अल्हम्दुलिल्लाह से हो जाने के बाद एंड टाइम पे जब मैं जा रही थी तो जब मेरी मुलाकात हुई थी, जब सही है, और मेरी खुशी किस चीज़ से ज़्यादा थी वो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। आप लोग मैंने पहले के व्लॉग देखे फिर वो बात करें ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों को कुछ कह थोड़ी सकते हैं। और पहली बात तो कि कोई भी जजमेंट पास करने से या कोई भी कमेंट करने से सबसे पहले आप लोग उसकी बैक पे स्टोरी देख लिया करें। आप लोग ने सिर्फ वो इंट्रोडक्शन देखा, वो देखो आप लोग उस पर मुझे बोलना शुरू हो गए। जबकि अगर आप लोग बोलो ना, मैं अपना एक क्लिप अटैच करती हूँ कि मैंने अपनी जब उम्रा, चूँकि मुझे था कि मुझे अपनी आंखों में सबसे पहले वो मंजर बसाना है, मैंने वो अपनी मंजर अपनी आंखों में होता है ना, आप स्टोर करते हैं, आपने वो स्टोर किया मैंने सबसे पहले, उसके बाद जाके मेरा उम्रा कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से, जब मेरे बाल बाल सब कट गए, तो फिर मैंने वो क्लिप बनाया कि मैं मतलब मैं लिटरली, आप देखो मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रोई थी कि मेरा पहला उम्रा हो गया, कि अल्लाह ने जिस काबिल समझे मुझे यहाँ बुलाया, ठीक है। और वापस रिपीट कर रही हूँ, 3 उम्रे कंप्लीट हो जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का शुक्र से, और उसके बाद अपना जब मैं निकल रही थी, जब मैंने खाने काबा को लास्ट मैंने तवाफ करने के बाद अपना नमाज पढ़ने के बाद सारी, और उसके बाद अपना अपनी आखिरी दुआ में लग के खाने काबा को लास्ट, अब जब जाते हो अल्लाह हाफिज़ करते हो ना, तो वो सब करने के बाद मैं जब मिली थी, जब मैं निकल रही थी, सही है, जब मिली थी, और वो भी कितने 3 बजे मेरी फ़्लाइट थी और मैं 1 बजे मिली थी। जिसमें मैंने फैज को कॉन्टेक्ट किया था, सिर्फ मैसेज पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ है, आप आ जाओ।
देखें जजमेंट बार, देखें कैसे कीबोर्ड वॉरियर कैसे होते हैं। कीबोर्ड वॉरियर इसमें भी कमेंट्स आएंगे अभी। यस ओके डन हो गया। इसी के साथ सर शराबील और अब्दुल्ला आ चुके हैं और ये लोग जुम्मा मुबारक आप सबको। और ये लोग आ गए हैं और शराबील का शूट है और अब्दुल्ला का भी शूट है, सबका शूट है। और आज रात में मेरी दावत भी है खाला के घर पे। और शराबील भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग बातें कर रहे हैं उनका काम है बातें करना है, और जो लोग अच्छे हैं और चीजों को समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो खामोशी इख्तियार करके बैठे रहते हैं, वो फालतू नहीं बोलते। इसलिए जो जो कर रहा है उसको करने दे। और तूने बहुत अच्छा काम किया, तीन उम्रे किए, उसके बाद फैसू से मिली है। फैसू के लिए नहीं गई थी, तू उम्रे के लिए गई थी और फैसू भी उम्रे के लिए आया। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब कहने की बातें कि व्यूज के चक्कर में है तो अल्लाह को भूले हुए कि रसूल को भूले हुए। और ये भी बोला कि तुम्हारा उम्रा कबूल नहीं होगा। अच्छा, ये कोई काफिरी होगा जिसने ये बात की होगी। तो इतने सारे लोग मुझे बोल रहे तुम्हारा उम्रा कबूल नहीं होगा, तुम अपना महरम तो पता नहीं क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। अब बोलने दे, अच्छा काम करके आइए और हम लोग अगले उम्र पे जा रहे हैं सब जाएंगे साथ। इंशाल्लाह बीवी के साथ जा रहा तुम तब अपनी इंशाल्लाह। यहाँ जो खर्चा करेगा ना 18-20 लाख रुपए, दफा कर लोग आखिर में बाती बनाने, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, बोटिया नहीं मिली, रायता नहीं मिला, मीठा नहीं मिला, निकाह वहाँ कर, मैं करवा दूंगा तेरी सेटिंग ट्रैवल एजेंसी वाले से। ओह माय गॉड, मेरी भी नियत यही है यार, निकाह यार काबा में हो, मदीने में नवास अदा कर अपने महरम का। ओ मजा ही अलग है इस चीज का, सुकून अलग है यार। औलादे भी नेक होंगी कसम से, सुकून है इस चीज का, सुकून एक सुकून ही अलग है इस चीज का। और फिर वहां जाकर अपनी बेगम के वहां तस्वीरें बनवाऊंगा, लोग उस पर ही बोलेंगे कि आपने तस्वीरें बना ली, आपको अपनी शादी याद आ गई, निकाह याद आ गया। अच्छा मजे की बात तुम्हें पता है? नहीं, मैं जब वहाँ पे थी ना काबा में, जब मेरा लास्ट डे था, जब मैं वहाँ पे बैठ के नमाज पढ़ी थी, मैंने वहाँ पे लोगों को देखा। वहाँ पे ना जो लड़कियाँ थी वो बकायदा उनके एक शूट चल रहा था, मतलब आप बोलो नी, मैंने भी पिक्चर्स ली है लेकिन वो पिक्चर्स भी तमीज की है और वो पिक्चर्स ढंग की है, सब कुछ है। लेकिन वहां पे बकायदा इवन मेरे पास ना कुछ आई थी तीन लड़कियां, वो मतलब के पाकिस्तान की नहीं थी, वो कहीं और की थी। उन्होंने बकायदा मेरे फोन से प्रॉपर अपना शूट करवाया कि क्लॉक टावर आना चाहिए, नीचे बैठ जाइए, तुम लोग को दिखाऊंगी। और बकायदा मतलब भैया तुम ही क्या पहन के आए हो? मट्टी गीली करेगा, मट्टी गीली करके जो होती है मट्टी लाया वो मारेंगे। मैं गेम शो में खुश रहो कर चुकी हूँ, मैं बताऊंगी तुम्हें। ये अलग किस्म की समोसा पार्टी चल रही है क्या? सेट लग गया। टू मच हॉट। नो कीमा समोसा इज गुड। आज हम आपको मिलाएंगे एक अहम शख्स से, ये बंदा हमें खिला खिला के मारेगा। तो पार्टियां ऐसी ताजे देखो, समोसे गरम गरम समोसे खुद बनाते खाना। हर चीज का रास्ता सबसे बड़ा मेरे शौक है, खुद नहीं बनाता बनवाता हूँ। और इसी के साथ साथ हम मिलेंगे लारिफ खालिद से। ये देखें लारिफ, मीटिंग चल रही है। थैंक यू सो मच लारिफ, तुम मेरे लिए फूल लेकर आए हो, जज़ाकअल्लाह। हमारी हाजन है। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं बच्चों वाली हरकत है, बिल्कुल बच्चों वाली हरकत नहीं हो रही है, बच्चों वाली। ओह माय गॉड, इतना प्यारा वेलकम किया है हमारी खाला ने। उन्होंने कहा रुक जाओ। अरे भाई फूल भी लगा रहे थे, फूल भी लगा रहे थे। ये आप देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन मेरी खाला ने किया है, द वन एंड ओनली फराना खाला। और यहाँ पे है उम्र मुबारक आसवा प्लस ना से मुझे है ना, ये मेरी खाला ने रोज स्टोरी इन द एंड। और कभी अब बोर हो रहे हैं, हमारे पास कोई बात करने वाला नहीं है,
इनकी शक्ल शी बी लाइक झूठी आधे घंटे से पका रही हो मेरे दिमाग खा रही है सही बात है अम्मी आप बहुत बोलते हैं मैं शुक्र करो कि कम बोलती हूँ मेरी वाला बिल्कुल मेरी कॉपी है मतलब मैं उनकी कॉपी हूँ सॉरी मैं उनको ब्लॉग में नहीं लेती हूँ वो मना करती है उनके हस्बैंड नजर लग जाती है उनके हस्बैंड ने उनको ज्यादा नजर लग जाती है शराई पर्दा करती है शराई पर्दा कर दी है क्या हो गया नहीं नहीं नजर लग जाती है नजर लग जाएगी वायरल हो जाएगी पेप्सी पी रिश्ते आ गए तो कहाँ से होगी शादी तो मेरी अम्मी को स्पोर्ट्स डे क्या हुआ स्कूल में तोबा हो गई है चाय लेके तो ऐसे आ रही थी उसकी लॉग में उस दिन चाय आज बड़ी क्या पता चाय लेगी The next day. Assalamualaikum everyone. अपना सैटरडे नहीं फ्राइडे के व्लॉग के साथ मैं सैटरडे के व्लॉग पे आ चुकी हूँ और मैं आज मिलाद में आई हूँ आज पर हसनिया के घर पे हसनिया ने मिलाद में मुझे इनवाइट किया है थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए अरे ना करती तो तुम फिर भी आती तुम ना करती तो तुम्हारी बहने मुझे बुला लेती हाँ बेस्ट ट्रू हिजाब करती हूँ मैं अब अच्छा बिना हिजाब के और कितना कर रहे हैं आप ये देखें हसनिया के जो घर के बच्चे हैं लिटल लिटल काश तुम इतनी टैलेंटेड होती लाइफ में इतना चिल हूँ मैं क्या कहती हूँ मैं आपको अपनी शेम दिखाती हूँ बच्चे हटो चलो हटो जन्नत भी तुम्हारा है मगर मेरे लिए ताजदार है भरम ताजदार है करम ओ निगाह करम ताजदार है भरम ओ हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे हामी बेकसान क्या कहेगा जहां हामी बेकसान क्या कहेगा तो इसी के साथ साथ मिलाद जो है ना वो ख़त्म हो चुका है और हसनिया ने मुझे और अफरा को रोक के रख दिया है कि जब मैं खाना खाऊँ जब खाना ये कोई तरीका है खैर क्या करें दोस्ती करिए तो ये फ्लावर मुझे बहुत ही स्पेशल पर्सन ने दिया है गाइस पल से मारूँ ऐसे बच्चों को मैं नहीं खेल रही इसने पूरे टाइम फूल चोरी किए हैं यहाँ से निकाल निकाल के तुम्हें शर्म नहीं आई चोर एक तुमने दिया था तो एक मैंने ले लिया क्या हो गया तुम्हें कोई गुलाब नहीं देता मुझे कोई गुलाब देता नहीं है ना इसलिए मैं खुद जमा कर रही हूँ एक तो बच्चे पीटेंगे बच्चे इतने प्यारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह क्यूटीज लव ये मैंने तुम लोग को ट्रीट दिए 1 मिलियन होने की सही है इधर ये हमारी मिलाद का खाना है 1 मिलियन होने की 1 मिलियन फॉलोवर्स सॉरी फॉलोवर्स कह रही हूँ व्यूअर्स होने की ये मिलाद का खाना झूठ बोल रही है नहीं और इनके अभी आप बढ़ाएं नहीं कोई ट्रीट ड्यू नहीं है मैंने ये गुलाब जामुन बिरयानी वगैरह आपको खिलाई है बहुत मजे से कोल्ड ड्रिंक भी आई है बहुत कोल्ड ड्रिंक के अभी हम 100 रुपए लेंगे आप सबसे बेफिक्र रहें कोल्ड ड्रिंक पे बहुत लड़ाई हुई है इतनी ग्लास छीना छपटी हुई गई है ये इस ग्लास के पीछे जख्मी हुए हैं लोग सामने खड़े घर जा रहे हैं खुशी खुशी अब लोग
आमना ने बड़ी थैली मिलाद में आकर हैशटैग बोलो आमना प्लेट में ये मैं हूँ मुझे बोटी अच्छी नहीं मिली लेकिन ये क्या दी है आमना को बोटी अच्छी नहीं मिली कितना खाओगी तुम किसकी प्लेट है चार बोटियां खा गई हो खतीजा तुम ओ माय गॉड खतीजा कहां से ली इतनी एक्सपेंसिव चप्पल ये बस लेती रहती हूं कहां से इतना एक्सपेंस लाती कहां से तुम क्यों बैठी हुई हो बहन पर्दा करती है इसने मुझसे कहा कि मुझे मत लेना वो मुझे सॉरी मेरे मियां डांटेंगे ओए मेरे मियां मुझे मना करते हैं व्लॉग में आने से इंशाल्लाह ताला हसनिया की शादी होने वाली है दो महीने बाद अभी आज रजग है हसनिया का हसनिया की शादी है बहुत एंजॉय करेंगे ये तो जब से व्लॉग में सीधी होगी तब से इनको एक सबक मिला है नहीं बोलो यार परफ्यूम था वो परफ्यूम था वो जो व्लॉग में आया था इसीलिए मैंने कहा था कि कट कर दो कट हो गया भाई कट हो गया मुझे ये लड़की पसंद आई है झाड़ू वाली ये यार मैम शक्ल दिखाए पार्ट टाइम मेरा ये काम है तीन जॉब करती है ये माशाल्लाह से गाइस आप देख सकते हैं ऐसे करो ये मेरे घर पे भी आ जाना ओके बाय बाय यार बहुत दूर है बाजी मुझे पैसे ज्यादा नहीं है कितनी लेगी अरे जाओ यार सही से शाबाश अच्छे काम करोगी ना सवाब मिलेगा बाकी सजाया भी सवाब ना था और समय भी सवाब ना रहेगा आमना ही तो आई थी सबसे पहले खाना भी आमना की तरफ से ही खाया बिल्कुल खाना तो मैंने ही खिलाया है बिल्कुल सही बात आप क्या कर रही हैं तुम क्या कर रही हो पीछे खड़े हुए वीडियो बना रही हूं बहुत अच्छा सीन बहुत ही पुअर लड़की तुम तुम्हारा ओ भाई झाड़ू अच्छी वाली कभी ये काम घर पे भी कर लो तुम इतना ज्यादा से काम हो रहा है थक गई मैं तो इसी के साथ साथ मेरा फ्राइडे का और सैटरडे का व्लॉग यहाँ पे एंड होता है तो जब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में टाटा